थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा अवसर मुझे दिया और अवसर को समझने का जो ज्ञान है वो मुझे दिया। तो परमपिता परमेश्वर के बाद माता पिता को धन्यवाद। माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने माता पिता के लिए एक बार जोरदार ताली जरूर दें। कहीं ना कहीं जो प्राथमिक पाठशाला जो होती है, हमारी जो पहली शुरुआत होती है एजुकेशन की, वो हमारे घर से होती है। मेरे मम्मी पापा दोनों ही शिक्षक रहे हैं, शिक्षक से रिटायर्ड हैं, अभी स्वस्थ हैं, बिल्कुल बढ़िया है। मैं उनके लिए ही दिल्ली छोड़ करके, अपना जॉब अच्छा खासा जॉब था, छोड़ करके मैं आया था जमशेदपुर में और भटक रहा था यूँ ही ये तो इधर उधर कि कुछ मिल जाए, ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मिल जाए। और थैंक्स टू इंदु पात्रा मैम कि इन्होंने लगातार 1.5 साल तक फॉलो अप करने के बाद, 1.5 साल दोस्तों, 1.5 साल कम नहीं होता है, 1.5 साल लगातार फॉलो अप करने के बाद आखिर में एक बार निहाल सर आए हुए थे, जलाराम में कार्यक्रम हो रहा था। निहाल सर का जो बताने का जो तरीका था, माँ गुरु जी का जो तरीका था बताने का, मैं कायल हो गया। मैं बोला कि नहीं, अगर मैं इनसे अगर मैं सीखूं, क्योंकि मैं शिक्षक का बच्चा हूं तो मेरा जो ज्यादा फोकस होता है वो रीडिंग पे होता है, पढ़ाई पे होता है। तो जो मुझे अच्छा लगता है कि ये नॉलेजेबल है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, उनकी तरफ मैं जल्दी अट्रैक्ट होता हूं। और वही कारण था कि इंदु पात्रा मैम के कारण मैं अट्रैक्ट हुआ। उन्होंने मुझे बताया, नॉलेज दिया, उन्होंने बार 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 उन्होंने नॉलेज को शेयर किया और आखिर में वो जो आखिरी जो कहते हैं ना कि एक पत्थर को तोड़ने के लिए लगातार लगातार आप 100 प्रहार करते हैं, लेकिन 100वां प्रहार में जो टूटता है ये कोई जरूरी नहीं कि वो 100वां प्रहार बहुत मजबूत था। ये जरूरी है कि लगातार जो आप प्रहार करते हैं, कहा जाता है कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी जो है वो लगातार अगर होता रहता है तो एक दिन आपका जो है वो पत्थर टूटता है। यानी कि उस दिन मेरा भी वो जो धैर्य था वो टूटा कि नहीं, इस सेम शॉप को करना चाहिए, एंटर करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो ऐसे व्यक्ति तो चंडीगढ़ से आकर के हमें बता रहे हैं कि किस तरह से करना चाहिए। और जब मैं बाहर मार्केट में काम कर रहा था, मैंने प्रेस में काम किया 12 साल और उसके बाद छोटा छोटा बिजनेस फिर स्टार्ट करता रहा, कुछ ना कुछ करता रहा, बहुत सारे चैलेंजेस आए लाइफ में। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप चाहते हैं बार 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 बार, जब आप किसी चीज को चाहते हैं मन से कि नहीं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां आपके पोटेंशियल को, आपके उस ताकत को बताने का मौका मिले, जताने का मौका मिले, प्रूफ करने का मौका मिले। मेरे अंदर बोलने की तो क्षमता थी, मेरे अंदर लोगों को समझाने की, बात करने की क्षमता तो थी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं था जो प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली होनी चाहिए दो बार। थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं बताऊं कि मेरे परिवार का बहुत ज्यादा सहयोग रहा, मेरी परिवार, मेरी पत्नी का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। जब भी मैं जाता था सुबह 6:30 बजे जब मैं इनको छोड़ने निकलता था ऑफिस से, तभी मैं तैयार होकर के नहा धो के तैयार होकर मैं निकल जाता था। 5 बजे भोर में मुझे उठा देती थी, 6:30 बजे इनको छोड़ते हुए, इनको ऑफिस छोड़ते हुए मैं अपने काम पे निकल जाता था। पात्रा मैम से बात करता था कहाँ जाना है, कैसे करना है। और 11 बजे रात में, 11:30 मेरी वाइफ वेट करती रहती थी वहां, थाली में सजा करके, मतलब खाना को रख के वेट करती थी कि ये आएंगे तो मैं खाऊंगी। कई बार मैं ये मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, कई बार ये बिना खाए सो गई है, कई बार, क्योंकि बेटी को मैं ले करके सोती है, बेटी इसके हाथ पे सोती है। और कई बार ही जब मैं घर पहुंचा हूं तो ये सो चुकी होती है। कई बार ना हम, ना मैंने खाना खाया और ना ही मेरी वाइफ ने खाना खाया, सॉरी, ना ही मैंने खाया है और ना ही मेरी वाइफ ने खाया है, तब आज ये दिन देखने को मिला है। और शायद मैं इसी मंच से मैं कसम खा के कहता हूँ कि वो डायमंड शिप भी मैं लेकर रहूंगा चाहे जो हो जाए, और मेरी पत्नी का साथ खुदा रहेगा उस डायमंड शिप को लेने में। और वो हवाई यात्रा जो कहते हैं ना, हवाई यात्रा गिन नहीं पाएगी मेरी पत्नी, जो आज सपना देख रही है, गिन नहीं पाएगी कि महीने में कितनी हवाई यात्राएं उसने की है, कितनी बार विदेश गई है, गिन नहीं पाएगी, मैं ये वादा करता हूँ। दोस्तों, जब आप किसी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रहे होते हैं तो आपको सबसे ज्यादा अगर मजबूती देता है तो वो व्यक्ति देता है जो आपके परिवार में आपके साथ हमेशा 24 आवर रहता है। वो चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपका कोई भी सगा संबंधी हो जो आपके साथ मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल रहा होता है तो वो आपको मजबूती देता है और उसके कारण आप सफल हो पाते हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं वो करे जाता है, आपके अंदर वो हिम्मत आती है कि मेरा जब अपना मेरे साथ है तो मैं किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता हूँ। और वही चीज मेरे परिवार के साथ साथ इंदु पात्रा मैम ने भी, मैं बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे इस सिस्टम में आने के बाद भी टिका के रखने का जो काम है वो उन्होंने किया है। कहते हैं कि माँ की ममता और टीम की क्षमता का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उन्होंने माँ की ममता भी दिया है और टीम की क्षमता को भी बताया है कि टीम की क्षमता क्या होती है। मेरे बच्चे तुम आगे बढ़ोगे तो कैसे बढ़ सकते हो, वो भी उन्होंने पल 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 मुझे बताया है। और उसके बाद सिखाने का जो काम किया है, कहते हैं कि जब आप सफर में चलते हैं तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं, जब हम किसी रास्ते पर चल रहे होते हैं तो बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो उसमें राजा सर ने सिखाने का काम किया। मैं चाहता हूँ एक जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे अरविंद सिंह राजा सर के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं शिक्षक का बच्चा हूँ तो मैं हमेशा पढ़ाई पे ध्यान देता था, हमेशा पढ़ता था, अभी भी मैं बुक पढ़ता हूँ। रोज कम से कम 1 से 1.5 घंटा या जहां भी मुझे मौका मिलेगा, मुझे लगता है कि फ्री टाइम में बैठा हूं तो मैं बुक लेकर ही बैठता हूं। प्रगति सूत्र हमारा बुक है, मैं हमेशा पढ़ता रहता हूं। और सर ने यही कहा था कि अगर प्रगति सूत्र को आप घोल के पी जाओगे तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, यानी कि आपकी जीत निश्चित है। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि अगर इस सेफ शॉप में अगर आपको जीतना है तो रीडिंग पे जरूर ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इससे नीचे गले से नीचे तो बहुत खिलाते पिलाते हैं, बहुत सुंदर बना के रखते हैं शरीर को, लेकिन जिस दिन आप इस गले से ऊपर इस ब्रेन फूड अगर देना शुरू करेंगे, अपने मस्तिष्क को अगर आप पढ़ाना लिखाना इसको खिलाना अच्छी अच्छी चीजें खिलाना अगर आप शुरू करेंगे तो उस दिन आपकी जीत निश्चित होगी, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, आपका रास्ता बिल्कुल आपको साफ साफ दिखेगा। जब शुरुआत में मैं आया था तो मुझे भी रास्ता अंधेरा सा दिखता था, ऐसा लगता था मानो मेरे हाथ में किसी ने पट्टी बांध रखा हो, मुझे दिखता ही नहीं था। जो 40,95,000 जब सर ने दिखाया था मुझे तो ये तो लगा था कि इस इनके साथ महागुरु जी के साथ मैं काम करूंगा तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा, इंदु पात्रा जी के साथ मैं काम करूंगा तो सक्सेस हो जाऊंगा, लेकिन ये पैसा आएगा या नहीं उस समय मुझे विश्वास नहीं था। तो सर ने कहा कि अगर ऐसा अगर लाना है तो आप तुरंत ही इसको ट्राई कर सकते हो, बुधवार का दिन था, उन्होंने कहा ट्राइपॉड आप लगाओगे और शुक्रवार को आपको पैसा आ जाएगा। और उसी दिन मैंने ट्राइपॉड लगाया, ये जानने के लिए कि कंपनी पैसा देती है या नहीं, ट्राइपॉड लगाया और फ्राइडे को टक से मेरे अकाउंट में पैसा आ गया 5,500 रुपया। मैं इसके लिए चाहता हूँ जोरदार ताली मेरे महागुरु जी के लिए, जोरदार ताली, क्योंकि कई लोग जब भी आते हैं इस सिस्टम में, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे जैसे होंगे जो अभी भी डाउट में होंगे, पूरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी डाउट में होंगे, और मैं महीनों तक डाउट में था, लगातार डाउट में था, लेकिन मैं बताऊं पैसा जो होती है ना वो मर्द की ताकत होती है। एक स्त्री की ताकत उसका पति होता है और पति की ताकत उसका पैसा होता है। जब पैसे हाथ में होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जीत जाएंगे हम, और दुनिया से मेरे मुझसे कोई टकरा नहीं पाएगा ऐसा लगता है जब लाख रुपए पॉकेट में होते हैं। तो जब पैसे आए तो गुरु जी ने कहा कि सुभाष जी, फोन किया उन्होंने, कहा कि जब 5,500 रुपए कंपनी दे सकती है तो 55,000, 55 लाख, 55 करोड़, 5,000 करोड़ भी आपको कंपनी दे सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितनी तेजी से आप काम करते हो, कितने अच्छे से आप काम करते हो, कितना सीख के आप काम करते हो, टीम को कितना ले करके चलते हो, तभी आप उस मुकाम पे पहुंच पाओगे। कंपनी पैसा देने को तो तैयार है। बहुत ज्यादा समय नहीं मिला है, मैं जानता हूँ महागुरु जी का समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, बाकी रखते हैं, आगे भी रैंक जीतना है और मेरा ये कमिटमेंट है, मैं इस जगह से कमिटमेंट करके आज जा रहा हूँ कि इसी टारगेट में, ये जो टारगेट चल रहा है इसी में, अभी तो गोवा फतह हुआ है यानी कि एक सीढ़ी फतह हुई है, इसके बाद अभी थाईलैंड बचा है, इसके बाद अभी यूरोप बचा है, और इसी टारगेट में यूरोप करके दिखाऊंगा किसी भी तरह एट एनी कॉस्ट, इस यूरो टारगेट को मैं जीत करके दिखाऊंगा। मेरी टीम मेरे साथ है, पूरी टीम एक बार खड़े होकर के जोरदार ताली बजाइए। मैं अपनी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पूरी टीम ने मेरा सपोर्ट किया है। मैं आज इस जगह हूँ तो उस टीम के कारण हूँ, और मैं जयकार करता हूँ इस चीज के लिए कि मेरी टीम को मेरा जितना भी पुण्य है आज मेरी टीम को मिल जाए पूरा, और वो टीम लगातार इस स्टेज पे आए। आज सिर्फ मैं नहीं, मेरी टीम पूरी इस स्टेज पर जीतनी चाहिए। काम का मैं वादा करता हूँ कि पूरे 24 घंटे मैं अपने टीम के लिए हमेशा मैदान में खड़ा रहूंगा, चाहे जो भी परिस्थिति आए। और एक बात कहना चाहूंगा, कहा तो जाता है इस सिस्टम में कि क्रॉस लाइन अप लाइन बहुत सारी चीजें हैं, नियम हैं। मैं अपनी अपलाइन है संजू लता जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, संजू लता जी और प्रशांत जी का,
उसका कारण भी मैं बताता हूं। मैं बिना कारण के, बिना ठोस मजबूत कारण की मैं बात ही नहीं करता। ये मेरी क्वालिटी है। मैं संजू लता जी का इसलिए मैं नाम लेना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने हमेशा जो अभी महागुरु जी ने कहा था कि खूब मालिश करो, किसी को खूब मालिश करो, खूब मालिश करो, खूब मालिश करो, उसे कुछ नहीं सुनता है। लेकिन अगर एक पिंच चुभा दो तो कैसे आदमी उछलता है। तो सच में मैं बताऊं, जो गुरु जी ने कहा कि एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा पिन करेगी, बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो, आप में क्वालिटी है। संजू लता जी ने हमेशा मुझे कहा है कि आप में क्वालिटी है। प्रशांत जी ने मुझे हमेशा कहा है कि आप में क्वालिटी है। सुभाष जी करो करो करो। कई बार क्या होता है, हम थोड़ा शांत हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, एक अचीवमेंट हो गया फिर धीरे धीरे स्लो होने लग जाते हैं। संजू लता जी का इसलिए और प्रशांत जी को मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। थैंक यू सर, थैंक यू महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।